हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिचा गांधी डॉट इन। आज हम मिलते हैं डे टू में क्रैश कोर्स के। डे वन में मैंने आपको इतना सिखाया था, अभी हम लेंगे आज डे टू। अब चिंता ना करें, इस तरह से कौन से लिखना आपको भी आ जाएगा। मैं भी बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रही थी, अब जाके मेरे को आ रहा है अच्छे से, तो कोई बात नहीं, हो जाता है, थोड़ी प्रैक्टिस लगती है। ठीक है, अब ये हमारा डे टू है जिसमें मैं आपको लाइंस के नेक्स्ट कर्व शेप सिखाऊंगी, जो आपको बहुत ही इस्तेमाल होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं कर्व शेप में पहले एक सिंपल वाले सी बोल सकते हैं, उल्टा और सीधा सी, ये मैंने बहुत ही छोटे बनाए हैं जो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके हिसाब से हम बड़े वाले बना लेंगे। फिर से यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कौन को किस तरह से पकड़ती हूं, तो आपको उसी तरह से पकड़ना है, उस बात का आप ध्यान रखें। अगर आपको डायरेक्टली ऐसे कौन पकड़ना नहीं जम रहा, तो मैं जैसे पकड़ती हूं थोड़ा दूर से पकड़ो और इस तरह से मोड़ लो, और हाथ को ऐसे रखो, ऐसे कभी नहीं रखना है मेहंदी बनाते वक्त, हाथ को ऐसे रखो। और अगर आप एकदम फ्रेशर्स हो तो इस तरह से हाथ का सपोर्ट लेके रखना सीखोगे तो वो बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही यूजफुल रहता है। तो यहाँ पे हम ये सी शेप बना रहे हैं, तो सी शेप में आप कुछ और चाहो तो बड़े बड़े बना के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जो हमें यूजफुल रहते हैं, जो कर्व शेप में आते हैं। ठीक है, ये हमने उल्टे और सीधे सीखे। अब हम ऊपर की ओर और नीचे की ओर ओपन हो गए, उस तरह के सी शेप सीखेंगे जो हम यू शेप डिजाइन वगैरह में लेते रहते हैं। अब फिर ऐसा ही हम नीचे की ओर से भी सीख लेंगे, डीपनेस बढ़ा सकते हो। ये हुआ। अब हम इसके हिसाब से दो लाइंस वाला भी सीखेंगे, जिससे हम बॉर्डर का भी अच्छे से मैनेज करना सीख जाएंगे। ये हमने ऊपर की ओर बॉर्डर थी और नीचे की ओर सीखा, अब नीचे की ओर लाइन बना के ऊपर की ओर करना सीखेंगे। बिल्कुल इससे ऑपोजिट, आप लोग सोच रहे होंगे कितने आसानी से हम कर रहे हैं, हम कब ऐसा करेंगे। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप भी बिल्कुल ऐसा ही कर पाओगे, चिंता ना करें। ठीक है, अब इसी तरह का हम यहाँ पे भी ले लेंगे। ये हमारा कर्व शेप हुआ। अब हम यहाँ पे बनाएंगे रिवर डिजाइन, इसको नाम मैंने दिया है रिवर डिजाइन। जैसे रिवर में हम बना रहे हैं ना, ऐसे ऊपर नीचे, उसी तरह का पहाड़ डिजाइन भी बोल सकते हो, माउंटेन डिजाइन तो बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें शुरुआत का आपको ध्यान रखना है, ये देखो मैंने नीचे की ओर से शुरू किया है, कभी ऐसे ऊपर की ओर से भी आप कर सकते हो। काउ में भी इतनी डिजाइन है कि आप कर सकते हो। ठीक है, फिर उसको फॉलो करते हुए बनाना भी आना चाहिए, तो उस टाइप की प्रैक्टिस भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। फिर ये हमने बड़े बड़े डिजाइन बनाए, कभी कभी ऐसे छोटे छोटे डिजाइन भी आते हैं। जो फिलिंग्स में इस्तेमाल होते हैं, तो आप इस तरह का भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये थे कर्व शेप, इसमें और इनोवेटिव आप चाहो तो थोड़ा बहुत कर सकते हो यू शेप डिजाइन बड़े बड़े।
अब ये यू शेप डिजाइन में भी बहुत सारा है जो आपको बनाना आना चाहिए। कोई कोई ऐसा पतला पतला बनेगा। कोई कोई ऐसा मोटा मोटा बनेगा। और साथ ही में ये बनाने का टेक्निक, अगर आप टच करके बनाओगे कुछ इस तरह से बनेगा, और बिना टच के बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको कर्व शेप लिया है। डे टू में हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, डे वन में मैंने आपको लाइंस बनाना सिखाया है, डे टू में मैंने कर्व शेप सिखाया है। अभी डे थ्री में मैं आपको थोड़ी बहुत डिजाइन लूंगी जो मैं आपको बना के दिखाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, मुझे कमेंट करें इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। और मेरा फेसबुक पेज है रिचा गांधी, जिसमें आप जाकर के देख सकते हो और मेरे को उसमें भी बता सकते हो कि मेरे को इस डिजाइन में ये प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो आप वो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।